GFTIs के लिस्ट में ये हमारा छठा कॉलेज पांडिचेरी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी पांडिचेरी, जो कि 1984 में एस्टेब्लिश हुआ, 210 एकड़ में फैला हुआ है, 3000 प्लस स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं। यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज यहाँ अवेलेबल हैं। हॉस्टल्स की बात की जाए तो 22 हॉस्टल यहाँ अवेलेबल हैं, जिसमें से 14 बॉयज़ के लिए और 8 गर्ल्स के लिए। एनआर रैंकिंग की बात करें तो प्रीवियसली 144 था, बट अभी रिसेंटली 1550 है। तो एनआर डेटा पे हम ज़्यादा जाएंगे भी नहीं। मोड ऑफ एडमिशन दो तरीके से होता है, जैसा हम प्रीवियस के वीडियोस में भी हम आपको बताते आ रहे हैं कि GFTIs का जो भी लिस्ट हम बना रहे हैं उसमें भी बताते आ रहे हैं आपको कि दो तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो। एक तो दोनों तरीके में जेई मेंस के रैंक के बेसिस पे ही होगा, जेई मेंस में जितना भी आपका परसेंटाइल आएगा उसी के बेसिस पे होगा। बट तरीके दो होंगे, एक तो होता है जोसा और CSEB राउंड, और दूसरा होता है कि जो उस पर्टिकुलर GFTI जो कंडक्ट करवाते हैं, जैसे यहाँ पांडिचेरी सेंट्रिक करके है काउंसलिंग, तो ये कंडक्ट करवाते हैं, तो इनसे भी आपको एडमिशन मिल रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो। यहाँ ब्रांचेस की बात की जाए तो टोटल यहाँ ब्रांचेस देखा जाए 2, 4, 6, 8, 9 ब्रांचेस अवेलेबल है। केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, EEE, ECE और EIE, उसके बाद IT, मैकेनिकल और मैकेटॉनिक्स। मैकेटॉनिक्स कौन सा होता है आई डोंट नो, देख लीजिएगा एक बार। ओके, सीट मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन है, वैसे यहाँ पे भी दिया गया है, फी भी दिया है और सीट मैट्रिक्स दोनों का लिंक आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, सीट मैट्रिक्स दिया है डिटेल में कि कितने स्टूडेंट, जैसे जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं, कंप्यूटर साइंस में मैं देख लेता हूँ, कंप्यूटर साइंस में अगर ऑल इंडिया रैंक में देखें तो 51 स्टूडेंट इसमें इंटेक कर सकते हैं। वहीं अगर पांडिचेरी के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए 15 ही नंबर ऑफ स्टूडेंट 15 है, तो ऑल इंडिया वाले को इस GFTIs में ज़्यादा देखा जा रहा है। अदर GFTIs की अगर मैं तुलना करूं, जब अभी तक में जो हम देख चुके हैं, तो उनमें से ये काफ़ी ऊपर है, जिसमें कि 51 स्टूडेंट जो हैं वो ऑल इंडिया के हैं। ठीक है, यानी कि लगभग देखा जाए तो 30% स्टूडेंट से भी ज़्यादा है ना। ठीक है, तो ये अच्छी बात हो जाती है ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए, इसमें आप एडमिशन लेने का सोच सकते हो। तो यहाँ पे 327 टोटल स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ओके, ये तो हो गया। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाता है, स्पेशल राउंड में देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंप्यूटर साइंस जनरल का देखें तो 55,000 से 65,000, यानी अगर आपका 50,000 या 60,000 के भी आसपास आता है तो इसमें एडमिशन हो सकता है, चांसेज हो रहा होगा। अगर इसी ब्रांच में देखें तो, अगर बेसिकली आपको इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो 1,00,000 तक भी अगर आपका रैंक आता है तो मैकेनिकल मिल सकता है, मैकेनिकल, केमिकल इंजीनियरिंग या सिविल में भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें इंस्टीट्यूट फी में यहाँ पे मेंशन किया गया है, कुछ कुछ है जो वन टाइम है जो कि रिफंडेबल भी है। ओके, यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज दिया हुआ है कितना फ़ी लग रहा होगा पर सेमेस्टर। ठीक है, ओके, क्लियर है। हॉस्टल का भी फ़ी, यानी 22 जो हॉस्टल्स बताए गए हैं उनके भी फीस यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पे अगर हाईलाइट किया गया है कि कितना पैकेज गया है, तो 6 स्टूडेंट को 6.5 LPA का गया है, फिर 5 को, 15 को, देखा जाए तो एवरेज CTC 6 के आसपास रहता है इसका, और हाईएस्ट 15 LPA गया अभी तक का। यहाँ कंपनीज आप देख सकते हो, सोनी है, टाटा महिंद्रा हो गया, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, रिलायंस, उसके बाद नोकिया, बहुत सारी कंपनीज है, विप्रो, उसके बाद और भी कंपनीज के नाम दिए गए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कोई क्वायरी हो आप हमें कमेंट करें।